नहीं प्रज्ञा, और नहीं, मैं आकाश के घर चलता हूँ, रिपोर्ट आने से पहले वहां पहुंचना है। सुरेश, सुरेश प्लीज, मैं साथ चलती हूँ ना तुम्हारे। प्रज्ञा बेटा, अगर प्रज्ञा कह रही है तो साथ में ले जाओ उसे, वो साथ रहेगी तो हमें भी चिंता कम रहेगी। प्रज्ञा प्लीज, समझने की कोशिश करो, उन लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अगर मेरी वजह से फिर से तुम पर कोई मुश्किल आती है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मेरी वजह से तुम और मैं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। गुड मॉर्निंग अभी। नमस्ते बेटा जी। नमस्ते दादी जी। नमस्ते, आओ बैठो। दादी जी मैं ठीक हूँ, बस वो रिपोर्ट आ जाए बस। देखो बेटा, जो बात मैंने उस दिन कही थी वही बात मैं आज कह रही हूँ कि अगर रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि आकाश ही उस बच्चे का बाप है तो मैं यकीनन तुम्हारी बहन की शादी आकाश से ही करवाऊंगी। जिस छत के नीचे मेरे बच्चे पले हैं उस छत के नीचे मैं झूठ को कभी नहीं पलने दूंगी। थैंक यू दादी जी। रिपोर्ट। क्या लिखा है? मुझे पता था तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। इसकी बहन के बच्चे का बाप आकाश कोई और है। कैसे? देखो बेटा, मैंने कहा था ना, इस छत के नीचे झूठ नहीं पलने दूंगी। झूठ आकाश ने नहीं, तुम्हारी बहन ने तुमसे बोला है। अब रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है आकाश उस बच्चे का बाप नहीं है। मैं तो पर इल्जाम नहीं लगा रही, तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी बहन की हालत को समझने की कोशिश करना, उस पर गुस्सा मत होना, और बेटा उसकी शादी उसी लड़के से करना जिसको वो प्यार करती है। ये कैसे हो सकता है?
बच्चों मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती, उसने उसने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन प्लीज मुझे एक बात सुनना, तुमने तुमने क्या किया सिर्फ बोर्ड के साथ? देखो मैं रज्जो को अच्छे से जानता हूँ, अगर तुमने उससे शादी नहीं की होती तो वो इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाती, और अगर उसने डीएनए टेस्ट दिया तो ये तो सबसे बड़ा सबूत है मेरे लिए। और इस रिपोर्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, मैं जानता हूँ कि बच्चा तुम्हारा है, और अगर बच्चा तुम्हारा है तो ये रिपोर्ट गलत कैसे हो? क्या हुआ तुम क्या हुआ तुम्हें सब ठीक था ना? अरे इसको तो हम लोग इसे बेटा आ जा आराम से, तू जाके फर्स्ट एड किट लेकर आ जा जल्दी। लेकिन वहां हुआ क्या सुरेश? अभी के घर गया और अब कि माधवी जी यहाँ नहीं, वो मंदिर गई हैं। अगर उन्होंने सुरेश को ऐसी हालत में देखा होता तो पता नहीं क्यों। मैं ना हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, उसे आराम मिलेगा, तू तब तक इसके घाव में मरम लगा। रचना आजा बेटा, तू मेरी मदद कर दे। वो अभी ना इतना घटिया इंसान रॉकस्टार होगा अपने घर पे, इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के साथ कुछ भी करता। फिर ठान लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगा, और जब तक रच्चो को उसका हक नहीं मिल जाता मैं हार नहीं मानूंगा। और अभी इस कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाला है, और जब अभी को पता चलेगा कि आप भी इसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो शायद वो परफॉर्म करने से मना कर दें। We will not able to afford this, Mr. Srivastav. और प्लस आपकी सिस्टर की प्रेगनेंसी और आपका अभी के घर पर जाकर यूं तमाशा करना, इसकी वजह से कॉलेज का रेपुटेशन दाव पर लग चुका है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना रेजिग्नेशन हमें दे दें। Otherwise, Mr. Srivastav, unfortunately, we will have to terminate you. ये आप क्या बोल रहे हैं सर? I'm sorry to interrupt, but sir, आप ये स्टेप कैसे ले सकते हैं? सुरेश इस कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर्स में से एक है, उसने अपनी जिंदगी दे दी है सर इस कॉलेज को। सर सुरेश की वजह से नहीं, अभी जैसे लोगों की वजह से कॉलेज का माहौल बिगड़ता है। He's a very bad influence on our students, sir. वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, और आप उसकी वजह से सुरेश जैसे इंसान को निकाल रहे हैं। ये इतना सच्चा है सर, He's a role model for our students. आप ऐसा नहीं कर सकते सर। एक मिनट प्रज्ञा, इन लोगों ने अपना फैसला कर लिया है, सर ये रहा मेरा फैसला, माय रेजिग्नेशन। सुरेश तुम ऐसे सुरेश, अब मैं यहां पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इन लोगों और मुझ में जमीन आसमान का फर्क। मैं बच्चों को जमीन पर रहकर आसमान को छूना सिखाना चाहता हूं। ये लोग बच्चों को वो सितारा दिखाना चाहते हैं जिसका नाम अभी है, लेकिन उसकी चमक से भी ज्यादा झूठी है।
पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।